26 जनवरी को लाल किले पे हुए हिंसा को लेकर के पुलिस अब तेजी से तफ्तीश कर रही है और उससे जुड़ी एक अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला हिंसा में आरोपी लखा सिधाना तक दिल्ली पुलिस अब तक पहुंच नहीं सकी है। इस बीच लखा सिधाना ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो 6 फरवरी यानी आज चक्का जाम की अपील करता नजर आ रहा है। आपको बता दें ये वीडियो कल शाम तकरीबन 6 बजे लखा सिधाना ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया। लखा सिधाना के साथ दीप सिद्धू का नाम भी दिल्ली पुलिस ने अपनी FIR में डाला है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली। लखा सिधाना पंजाब का पूर्व गैंगस्टर है जिसे दिल्ली पुलिस अब तक 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा में तलाश कर रही है। इसके साथ ही सिद्धू को लेकर के भी तलाश जारी है। इस वक्त हमारे साथ वरुण जैन जुड़ गए हैं। वरुण, क्या ताजा जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के और पुलिस के हाथ तो अब भी खाली है? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर भी कहा जाएगा। लगातार जो आरोपी है वो 2 कदम आगे चल रहे हैं, चाहे तीर सिद्धू हो और चाहे अब लखा सिंह की बात करें, लगातार अपने वीडियोज जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। पुलिस इनकी लगातार छापेमारी कर रही है, पंजाब हरियाणा में लगातार डेरा डाले हुए हैं, कैंप डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं पुलिस को एक चैलेंज कर रहे हैं। और अब एक हाल ही में लखा सिंह का जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पर एक वीडियो अपलोड किया गया है। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे के आसपास जो ये वीडियो अपलोड किया गया है और इसकी जो लोकेशन है अभी वो साफ नहीं है। पीछे टेंट जरूर नजर आ रहे हैं, कुछ इस तरीके का इसका बैकग्राउंड है जैसा कि धरना स्थल पर देखा जाता है, लेकिन अभी कौन सी लोकेशन है, कहां पर ये वीडियो अपलोड किया गया, ये जांच का विषय है। तो पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को एक चैलेंज दे रहे हैं और एक बड़ा फेलियर है कि पुलिस तलाश कर रही है लेकिन अभी तक ये सभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी बेहद शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जगविंदर पटियाल भी जुड़ रहे हैं। जगविंदर, लखा सिधाना को लेकर के पुलिस के हाथ अब भी खाली है और लखा सिधाना जो है वो अब हीरो बना फिर रहा है? देखिए ये तो दिल्ली पुलिस को देखना बनता है अब कि किस तरह से उनके सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं और वो अपनी जो भी बात रखना चाहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों तक रख रहे हैं, चाहे लखा सिधाना हो चाहे दीप सिद्धू हो। लखा सिधाना और दीप सिद्धू की 26 जनवरी को हुई लाल किले वाली हिंसा में मुख्य हाथ माना जा रहा है और इन दोनों पर आरोप यही है कि भीड़ को इन्होंने भड़काया सिंघू बॉर्डर पर, जिसकी वजह से अगले दिन जाकर उन्होंने हिंसा की। लेकिन सवाल दिल्ली पुलिस पर हम पहले दिन से ही उठा रहे हैं कि क्या इसे एक सामान्य केस की तरह इस केस की जांच हो रही है या लाल किले पर जो इतना बड़ा पूरे राष्ट्र का जो है वो अपमान किया गया उस घटना के मद्देनजर इसको पुलिस जांच कर रही है। लेकिन लखा सिधाना और दीप सिद्धू लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं और अब बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस इनाम घोषित कर दीप सिद्धू को या फिर लखा सिधाना को नामजद कर केवल अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है और या फिर इनको गिरफ्तार करने के लिए कोई सीरियस एफर्ट हो रहा है, क्यों इनके सोशल मीडिया अकाउंट अभी तक चल रहे हैं। इन तमाम चीजों के जो है वो सवाल जनता जानना चाहती है दिल्ली पुलिस से। बिल्कुल जगविंदर, लखा सिधाना को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि लखा सिधाना आखिर है कौन और पूरी हिस्ट्री क्या है लखा की? देखिए लखा सिधाना गांव का रहने वाला है और ये बठिंडा जिले में सिधाना गांव पड़ता है। ये राजनीतिक तौर पर अपने पैर जमाना चाहता है, इसने कोशिश भी की 2012 में जो है वो मनप्रीत बादल की PPP पार्टी ये खड़ी की थी उन्होंने, उससे इन्होंने चुनाव भी लड़ा, हार गए थे। इससे पहले कई राजनीतिज्ञों के नजदीक रहे, वहां पर जो लोग बठिंडा में सरगर्म रहते हैं उनके करीब हो जाते हैं, लेकिन इनका केस लैंड ग्रैबिंग के केसेस में भी आया, जेल भी जा चुके हैं। हाल ही में लखा सिधाना जो पंजाबी भाषा को जो है वो हाईवे पर कंपलसरी बनाने के लिए जो बोर्ड्स पर कालिख पोती गई थी उन केसों में गिरफ्तार हुए, लेकिन जो यूथ है उसको अपने पीछे लगाकर लखा सिधाना जो है वो राजनीतिक सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं जिसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन आज की अगर इस वीडियो को हम देखें जो इन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर डाला है उसमें चौंकाने वाली बात यह है कि लग ही नहीं रहा है कि लखा सिधाना पुलिस को वांटेड है। जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, आंदोलन को कामयाब करने की बात कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा चलने की बात कर रहे हैं, उसे देखकर लगता नहीं है कि इतने संगीन केस में वो वांटेड है दिल्ली पुलिस को। बिल्कुल जगविंदर, यही तो बात है और यही तो सवाल है कि उसकी बातों से उसके वीडियो से ऐसा लगता नहीं कि इतनी गहरी उसकी हिस्ट्री शीट है। बहुत शुक्रिया जगविंदर इस तमाम जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।